साथियों आप सभी को नमस्कार। आइए ले चलते हैं आपको गांव की तरफ घुमाने के लिए और देखते हैं कि गांव कैसा है, खूबसूरत है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का घर और मकान कैसे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मिलना तो इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब है, वो उतने ही दूर हैं जो जितने करीब थे। तो आइए लेवा चलते हैं आपको गाँव के शहराओं में। ये देख सकते हैं गांव के लोग हैं और ये पूरा गांव है, बस्ती है, टोटल झोपड़ पट्टी है। और बरसात का वक्त है और बरसात के वक्त में ये लोग अपने बरसात आने से पहले अपने घरों मकानों को जो घास और फूस की जो मकान है उसको सही करने के लिए घास फूस दोबारा रख रहे हैं। ये देख सकते हैं सामने, और ये फिर दोबारा बना रहे हैं कि ताकि बरसात में हमें रहने में आसानी हो, हमारा घर न चूहे। ये देख सकते हैं नीचे घास फूस का है, ऊपर टीने का पतरा डाल दिए हैं ताकि बरसात में कुछ दिक्कत ना हो। ये देख सकते हैं सामने, बाकी जो इस काबिल भी लोग नहीं हैं जो ऊपर से पतरा डाल सकें, कुछ हैं लोग जो डाल लिए जिनके जेब अलाउ कर रहा है, लेकिन वाकई में यहाँ पर जैसे लग रहा है 1947 के करीब का ये मंज़र दिखाई दे रहा है। और आपको भी दिख रहा होगा कि हाँ ये गाँव है, ये गाँव कुशीनगर की तरफ का है और वहाँ का ये पूरा ये जो लोग हैं मवेशियाँ भी रखते हैं अपने साथ और रहते भी हैं। और हमने पूछा तो बताया बड़ी दिक्कतों से गुजारा चल रहा है। ये लोग गांव के लोग अपने मवेशियों को खेत की तरफ ले जा रहे हैं चराने के लिए। सुबह करीब 6 बजे ये लोग निकलते हैं चराने के लिए और 12 बजे तक वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं। और जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड तो अलाउ नहीं करते हैं, लोग बहुत शर्मीले मिजाज के हैं और बहुत मोहब्बती भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं लोग और कॉपरेटिव भी हैं। अगर आप गांव में जाते हैं और कोई दिक्कत होती है किसी से कह देते हैं तो वो लोग ज़रूर आपकी दिक्कतों को अपना दिक्कत समझकर हल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बरसात का मौसम है और इस मौसम में धान की बुआई हो रही है तो गाँव के बाहर जो है लोग ज़्यादातर यही काम कर रहे हैं। देख सकते हैं आप वीडियो में सभी लोग धान की खेतियाँ कर रहे हैं और बहुत सवेरे निकल जाते हैं और तपतपाती धूप में भी ये लोग काम कर रहे थे, हमें तो बहुत हैरानी है। ये देख सकते हैं सुंदर सा दृश्य, मनमोहक दृश्य, वाकई में गांव की खूबसूरती बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही अच्छा है। आप यहां पर आएंगे तो वाकई में आपको जाने का मन नहीं करेगा, क्या खूबसूरत शमा है। तो ले चलते हैं आगे आगे हम और भी आपको दिखाने के लिए, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के अंत तक। ये देख सकते हैं भट्ठा पे काम करने वाले लोग हैं और वापस जा रहे हैं। और जो गांव के लोग जो मवेशियाँ पालते हैं उनका जो फजला होता है वो बाहर लाकर यहाँ पे डाल जाते हैं, फिर बाद में जब ये खाद में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको लादकर खेतों में डालते हैं। वाकई बहुत ही मेहनती हैं लोग गांव के। और गांव के लोग जो है ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, यहाँ महाराजगंज ज़िले से हम हैं, वहाँ की बात करें तो यहाँ के लोग ज़्यादातर भैंस और बकरियाँ पालन ज़्यादा करते हैं, भेड़ पालन भी कहीं कहीं की जाती है। और ये जो दृश्य है, हमारे दादाजी हैं ये, इनकी उम्र इस वक्त 70 ईयर यानी 70 साल है, उसके बावजूद भी पूरे तंदुरुस्ती के साथ खड़े हुए हैं। और ये लोग गांव में पोखड़ का काम किया जा रहा है जो मनरेगा के तहत है, गवर्नमेंट जो चलाई है तो उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होकर काम कर रहे हैं, इनका जीविकोपार्जन है। ये गवर्नमेंट की सराहनीय कदम है जिससे लोग गांव के लोग रोज़गार के लिए गांव में ही रहें। तो ये देख सकते हैं ये गांव का खूबसूरत सा मंज़र, खूबसूरत सा नज़ारा, गाँव के लोग का रहन सहन, घर मकान, सड़कें और सारी चीज़ें जो आप वीडियो में देख रहे हैं आप खुद महसूस कर रहे होंगे गांव को, गांव की मिट्टी को। और ये देख सकते हैं मेहनतकश किसान मवेशियों का चारा ले जाते हुए सुबह निकल जाते हैं, फिर शाम तक या दोपहर में वापस आते हैं चारा लेकर अपने मवेशियों के लिए। उनकी मवेशियां चराने का जगह ये है, नहर के किनारे हम लोग हैं तो नहर किनारे मवेशियाँ वापस आ रहे हैं चर कर, देख सकते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पे ये लोग बकरियां रख रही हैं, ऐसा गिरोह कई सारे गिरोह हैं ऐसे टुकड़े टुकड़ों में। और इसमें देख सकते हैं जो नौजवान बच्चे हैं वो बकरियां चराने के लिए जा रहे हैं, इस वक्त छुट्टी का समय चल रहा है, हो सकता है छुट्टी की वजह से ये लोग जा रहे हों। और गांव में मछली पालन का भी बढ़ावा हो रहा है, देख सकते हैं मछली पालन, मछली पोखरे से मछली लोग निकाल रहे हैं,
हालांकि इस पोखरे में बड़ी मछली हम नहीं देखे, लेकिन ये लोग मेहनत किए हैं। मेहनत करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा है, वाकई में अफसोसनाक है। लेकिन फिर भी गाँव के लोग मत्स्य पालन की तरफ भी रुझान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तालाब खुदे जा रहे हैं। इससे कई फ़ायदे हैं, सरकार के फ़ायदे हैं और हमारे भी फायदे हैं। तो साथियों, आपको गांव कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो गांव को पसंद करते हैं, गांव की खेती को पसंद करते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक।